गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको मैंने समझाया मनोविज्ञान विषय में, मनोविज्ञान की व्याख्या और उसके जो अर्थ थे, अनुभव, व्यवहार, मनोविज्ञान विज्ञान है, तो ये सभी मानसिक प्रक्रिया है, ये आपको मैंने समझाया। अब मैंने आगे आपको मनोविज्ञान का स्वरूप समझाऊंगी। स्वरूप मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसका स्वभाव तो समझना आवश्यक होता है, उसी प्रकार विषय को समझने के लिए उसके स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। स्वरूप अर्थात कोई भी विषय उसकी विषय वस्तु का अध्ययन कैसे करता है, उसके लिए कैसी पद्धतियों का उपयोग करता है, उसको ये मुद्दा सर समझना आवश्यक होता है। तो मनोविज्ञान अथवा उसके स्वरूप को समझने के लिए उसकी लाक्षणिकताओं को समझना आवश्यक है। तो उसकी लाक्षणिकताएं कौन सी है? तो मनोविज्ञान एक विज्ञान है, दूसरा है मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है, तीसरा है मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है, और मनोविज्ञान चौथा है व्यावहारिक विज्ञान। तो यहाँ आपने समझेंगे मनोविज्ञान के स्वरूप में सबसे पहले मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का विषय के रूप में अध्ययन मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रयत्नों से जितना पुराना ही माना जा सकता है कि मानव व्यवहार यानी कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य जो अस्तित्व में आया तब से ये मनोविज्ञान अस्तित्व में आया ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि मानव का अध्ययन व्यवहार का करना है तो उसको जितना मानव व्यवहार को समझने का प्रयत्न करना है उतना वो पुराना मनोविज्ञान है, किंतु विज्ञान के रूप में उसको अभी तरुणावस्था में है, यानी एक भौतिक रूप से विज्ञान का दर्जा मिले हुए उसको तरुणावस्था में है। मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रस्थापित करने के प्रयास कई वैज्ञानिकों ने किए हैं। उसमें जर्मन के लिप्जिक शहर में 1879 में विल्हेम वुड द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशाला से इसे विज्ञान के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। ये प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में कौन सी प्रयोगशाला से और कब, कहाँ से और कौन से शहर में से उसको दर्जा प्राप्त हुआ या स्थान प्राप्त हुआ। तो मनोविज्ञान को 1879 में जर्मनी के लिप्सिक शहर में विल्हेम वुंड द्वारा स्थापित गई प्रयोगशाला से मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। जैसे कि हमने पहले देखा, किसी भी विषय का अध्ययन अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के कारण विज्ञान बनता है, तो इस तरह मनोविज्ञान सावधानी पूर्वक वस्तुलक्षी पद्धतियों का उपयोग करने वाला विज्ञान है। हालांकि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जीवित मनुष्य का व्यवहार है, विषय वस्तु यानी क्या अध्ययन करना है। तो यहाँ मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो जीवित है। इससे अन्य शुद्ध विज्ञान जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसा नहीं है। वर्तमान समय में जब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीरशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों के बीच ज्ञान को सेतु निर्मित हुआ है, तब मनोविज्ञान इन सभी विज्ञानों के ज्ञान का उपयोग मानव व्यवहार को अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझने का कर रहा है। वैज्ञानिक विकास के युग में विकास हो रहे नए विज्ञान जैसे न्यूरो साइंस, कंप्यूटर विज्ञान आदि, तो ये सूचना और प्रसारण विज्ञान के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस तरह विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान एक भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की पद्धतियों का उपयोग कर रहा है। तब दूसरी ओर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का भी अध्ययन के लिए अनेक पद्धतियों का उपयोग कर रहा है। तो मनोविज्ञान इस तरह से एक प्रकार से विज्ञान है। मनोविज्ञान दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान है क्योंकि उसकी अध्ययन वस्तु प्राकृतिक है, उसका अंश प्राकृतिक है। मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है जो सजीव तंत्रों के प्राकृतिक व्यवहार का ही अंश है। यानी मनुष्य और प्राणी क्या है? प्रकृति का ही अंश है ना, इसीलिए वो प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार का प्राकृतिक घटनाओं या मुद्दों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही व्यवहार में भी प्रारंभ और अंत होता है। इसके उपरांत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के ही अध्ययन पद्धतियों का उपयोग भी करता है, इसीलिए भी उसे प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन करता है जिसे प्राकृतिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आगे का पॉइंट है मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। यहाँ मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसका अध्ययन करता है, इसीलिए ये सामाजिक विज्ञान है। मनुष्य मात्र सामाजिक सांस्कृतिक विषयों से प्रभावित ही नहीं होता बल्कि उसे असर करता है। मनुष्य में निहित जो सामाजिक पहलू को स्पर्श करने वाला होने के कारण मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। समाज में व्यक्त होने वाले मनुष्य के व्यवहार को, उसके पहलुओं को समझने और उसके आधार पर नियत या सिद्धांत को निष्कर्ष प्रयत्न मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। इसीलिए वह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत भी और समूह में रहता है तो समूह का व्यवहार भी। मनुष्य का व्यवहार उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से बनता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं उसका उस पर तरीके का व्यवहार होता है। तो उदाहरण के तौर पर अपने देखें तो गुजरात के अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे शहर में जो युवतियाँ या जो बच्चे पढ़े बड़े होते हैं तो वो उनका व्यवहार, और मध्य प्रदेश बिहार जैसे या आदिवासी इलाकों में पले जो युवतियाँ होती है उनका खान पान पहनना वो सब अलग अलग होता है। अहमदाबाद वडोदरा में जो बड़ोदरा में लड़कियाँ होती है उनका भी अलग होता है और खान पान या अलग अलग होता है, और काम में भी अलग अलग काम में भी वो अलग अलग रूप से अंतर दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे समाज और सांस्कृतिक वातावरण में व्यक्ति पलता है वो ही जिम्मेदार होता है। मनोविज्ञान ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर मानव व्यवहार को भी समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आगे का पॉइंट है, मनोविज्ञान व्यावहारिक विज्ञान है, यानी जो मनुष्य विज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है उन्हें व्यावहारिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान के उपरांत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, न्यूनशास्त्र आदि विज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान भी मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसीलिए उसे व्यावहारिक विज्ञान कहते हैं। हालांकि अब शुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बीच तात्विक अंतर नहीं रहा। सभी विज्ञानों के ज्ञान का उपयोग एक दूसरे में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भौतिक विज्ञान के ज्ञान का उपयोग मनोविज्ञान मनुष्य की शरीर रचना के अंगों आँख कान आदि की देखने की और सुनने की क्षमता के संदर्भ में करता है। यानी जब भौतिक विज्ञान में क्या होता है, शरीर जो है उसकी रचना होती है तो उसके संदर्भ में अपने सुनते के किस कहाँ से है कैसे है वो अपने मनोविज्ञान में भी उसका उपयोग होता है। इस प्रकार शरीर रचना शास्त्री के ज्ञान का उपयोग भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के लिए करता है। सिटी मॉर्गन के शब्दों में कहे तो मनोविज्ञान ऐसा व्यावहारिक विज्ञान है जिसमें भौतिक, प्राकृतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, न्यूनशास्त्र, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का भी समन्वय किया जाता है। तो ये हुआ आपका यहाँ मनोविज्ञान का स्वरूप में चार पॉइंट। मनोविज्ञान क्या है? पहले विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान। तो यहाँ आपका ये स्वरूप वाला प्रश्न पूरा हुआ। बच्चों आगे अपने बाद में मनोविज्ञान के उद्देश्य देखेंगे, वो अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। गुड बाय।